Hello everyone, my name is Kunal and I'm from MadeEasy, which is India's best institute for GATE, ESE and PSUs. Aaj I am Sector 62, Noida, Ion Digital Zone, jahan pe GATE 2023 ka CS ka exam hai. To aaiye kuch bachchon se unke feedback jante hain. Ritesh Kumar. Okay, so Ritesh, aap kaun se college se hain? Main Parul University, Vadodara, Gujarat. That's great. So aaj jaise aapne GATE 2023 ka exam diya hai CS ka, तो टोटल 65 क्वेश्चंस थे. हाउ मेनी वर यू एबल टू अटेंड? आई हैव अटेम्प्ट 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 65. ओके, एंड अगर हम बात करें कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कॉन्सेप्चुअल थे या लॉजिकल थे? या लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल भी थे, एंड सम क्वेश्चंस वर लॉजिक बिल्डिंग एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैथमेटिक्स, दैट इज फंक्शंस पार्ट एंड मैट्रिक्स. And from logic building, like you have to study the gates 0 and 1, the logic. Yeah, and from programming part also, like core C++. Right. Yeah. So, and if agar hum level ki baat karein, to easy tha, moderate tha ya difficult tha? It was between difficult and moderate. Like, bahut easy bhi nahi tha, moderate se thoda above tha. So, also, aapke according, jo juniors next year aanenge exam dene ke liye, तो क्या स्ट्रैटेजीज उनको फॉलो करनी चाहिए? आई वुड से कि वो स्टार्टिंग से ही माइंडसेट बना लें कि वो गेट देना है उनको, कि वो जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आए हैं, सो देयर वॉन्ट बी एनी गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड देयर करियर. एंड इफ दे आर गोइंग फॉर कोचिंग, सो दे शुड प्रेफर देयर सब्जेक्चुअल व्हाट, लाइक आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, तो उनको स्टार्टिंग से ही वो ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही ना पढ़े, वो मैथमेटिक्स पे भी ध्यान दें, एडवांस मैथमेटिक्स, देन फिजिक्स एंड अदर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स लाइक DSA एंड ऑल. सो जैसे कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज थी? लाइक फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मल्टीप्लेक्सर वाला पार्ट, एंड इन मैथमेटिक्स मैट्रिक्सेस, मैट्रिसेस एंड फंक्शंस, या इससे वेटेज ज़्यादा थी. एंड अगर जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की बात करें, तो वहाँ बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? सो यू शुड रीच बिफोर एटलीस्ट 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स पहले हम लॉग इन करते हैं, एंड फिर 30 मिनट के बाद लॉग इन नहीं करने देते हैं, अलाउ नहीं करता सिस्टम. एंड लॉग इन करने के बाद हम 20 मिनट हमें वेट करना होता है, एंड देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट आवर एग्ज़ाम. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. हेलो, आपका नाम? हेलो सर, माय नेम इज संदीप शुक्ला, आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड से, झांसी. ओके, एंड आपका? माय नेम इज अमित, आई एम फ्रॉम GSS नोएडा. माय नेम इज रालगमा किस्को, गांधी इंजीनियर कॉलेज भुवनेश्वर. सो जैसे कि आज आपने गेट का एग्जाम दिया CS का, सो टोटल 65 क्वेश्चंस थे, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू एबल टू अटेम्प्ट? आई थिंक आई हैव अटेम्प्टेड मोर देन 40 क्वेश्चंस. ओके, दैट्स ग्रेट. या सेम, मोर देन 40 क्वेश्चंस. Same, more than 45. Okay, and if we talk about the level of paper, आप लोगों के according paper जो था वो easy था, moderate था या difficult था? So paper तो easy था, but lengthy था थोड़ा, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा lengthy, मतलब all the concepts were touched by the faculty, means whatever they have taught, almost everything was from the notes only, but a little lengthy, lengthier paper was there. So if अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स कैसे अपना टाइम मैनेज करें कि उनको यू नो पेपर टाइमली उनका ख़त्म हो? सबसे पहले जो सेक्शन आता है उससे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए. इफ़ यू आर गुड इन FT, देन अटेम्प्ट FT फर्स्ट, देन फर्स्ट एक बार सारे सारे क्वेश्चन देख लेना इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो दिया जाता है 15 मिनट्स में उसे ट्राई करना चाहिए. सो ऑल्सो अगर हम बात करें, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज थी आपके अकॉर्डिंग? वेटेज के हिसाब से मुझे लगता है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो TOC कंप्यूटर नेटवर्क, और उसके बाद हमारा ये क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर. ओके, एंड ऑल्सो आप लोगों ने कहीं से कोचिंग लिया? ऑब्वियसली MadeEasy. सो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, आपको MadeEasy का एनवायरनमेंट कैसा लगा, या टीचिंग जो फैकल्टी है उन्होंने आपके सारे टॉपिक्स कवर करी? यस यस, दे आर एट पार. अगर आल्सो अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो वो हमारी बस मिस्टेक है, बाकी फैकल्टीज की कोई गलती नहीं. तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं, कांसेप्ट भी सब कवर हो चुके हैं, बाकी का स्टूडेंट के रिवीजन के ऊपर डिपेंड है. ओके, एंड आई होप आप सब ने
टेस्ट सीरीज भी दिए होंगे। सो अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो वो टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट रही कि आपके एग्जाम की तैयारी में? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। मतलब रवि सर ने बोला था, रवि सर इज़ अ फैकल्टी, ही इज़ अ DBMS फैकल्टी एंड एल्गोरिथम फैकल्टी, सो ही हैज़ टोल्ड अस टू टू राइट द टेस्ट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। सो बिकॉज माई सिलेबस गॉट ओवर इन दिसंबर मिड ऑफ दिसंबर, सो आई डिडंट हैव मच टाइम, बट स्टिल आई कंप्लीटेड ऑल द 12 टेस्ट इन 2023। सो टेस्ट सीरीज वॉज क्वाइट गुड एंड giving writing tests is really really beneficial in the exam. Okay, and jaise ki next year bhi aapke juniors exam dene aayenge, right? So you are the guys who can, you know, tell them that what things they should follow, what is the strategy they should follow. So aap log kya kehna chahenge ki agar wo kya kya cheezon ka dhyan rakhe jab wo next year aaye to? Jo subject maximum weightage ka hai use sabse pehle karna hai, CN, OS, DBMS, ELGO, ye most important subject hai, aur TOC compiler design ye marks badhane wale subject hai. इसके अलावा बाकी सारे सारे सब्जेक्ट जो है मॉडरेट लेवल के होते हैं, सी एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, उन्हें उसी के हिसाब से टाइम देना चाहिए। एंड इन माय ओपिनियन द स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट दे कैन गेट एटलीस्ट 2 months टाइम फॉर रिविजन, बिकॉज मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज वन थिंग एंड डूइंग रिविजन एंड गिविंग टेस्ट सीरीज इज अदर थिंग दैट रियली हेल्प्स इन एग्जाम। एंड आई एम श्योर आपका फीडबैक, यू नो, अपने जूनियर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। And all the best, all of you. Hello, आपका नाम? मेरा नाम वरुण है, मैं दरंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2021 में बीटेक पास आउट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था बीटेक का, और अभी हम CSA गेट में अपीयर हुए हैं। सो वरुण, अगर आज के क्वेश्चंस की बात करें, टोटल 65 क्वेश्चंस है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू एबल टू अटेम्प्ट? 46. That's great. So also अगर हम बात करें, what are the major, you know, major subjects जिसमें से सबसे ज़्यादा उनकी वेटेज थी? DSA डाटा सेक्शन एल्गोरिथम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन था। ओके, एंड अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, अकॉर्डिंग टू यू हाउ वाज द पेपर, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट? मॉडरेट। मॉडरेट, ओके। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चंस थे दे वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकल? जो भी 1 marks क्वेश्चन था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन था ज़्यादातर, 2 number वाला लॉजिकल क्वेश्चन सब था, अच्छा अच्छा जिसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ओके, ऑल्सो वरुण, आपने कहीं से कोचिंग ली है? MADEEJEE से ही, हम साकेत दिल्ली से कोचिंग कर रहे थे लास्ट ईयर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अगर हम बात करें तो किस चीज़ ने आपको हेल्प करी, जैसे आपने कोचिंग ली है तो कि एनवायरनमेंट, और आपको कैसा एनवायरनमेंट लगा या किन चीज़ों ने आपको हेल्प करी? टीचर्स का नोट्स और टीचर का एटीट्यूड, जब भी कोई डाउट होता था तो वो लोग बहुत ही ईगरली डाउट सॉल्व करते थे, इवन ड्यूरिंग दे आर टेकिंग द लंच, तो लंच छोड़ के टीचर लोग डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक एक्चुअली हमको बहुत अच्छा लगा कि आपको कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं थी, जब भी आपने उनको यू नो अवेलेबल चाह कि मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तब आपके डाउट्स क्लियर हुए। हाँ, इवन टीचर लोग रेसिडेंशियल पे भी बुला के बोलते थे कि यदि डाउट्स हो तो आ जाओ, या व्हाट्सएप ग्रुप था तो उसमें वो लोग भी पोस्ट करते थे कि जब भी वो दिल्ली में अवेलेबल हैं तो कब से कब तक हम लोग का डाउट्स ले सकते हैं, तो वो लोग ये भी बताते थे जी। ऑल्सो अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें कि अंदर स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि उनका यू नो टाइमली एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट कर सकें? प्रैक्टिस, मोर नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज से ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सबसे ज़रूरी है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक बार गो थ्रू जरूर करें, और मेरा तरीका था कि हम 3 parts में टाइम डिवाइड करे थे, पहला बार सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट में जो बना वो सॉल्व किए, फिर पेन एंड पेपर के हेल्प से जो सॉल्व हो सकता था वो किए, और लास्ट 45 मिनट में अपना सारा आंसर को एक बार रीचेक किए कि सब सही से मार्क्ड है, सारा सही से सॉल्व किए हैं। राइट, एज राइटली सेड, यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वरुण, अगर जो जूनियर्स आपके नेक्स्ट ईयर यू नो पेपर देने के लिए आना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए कहेंगे कि उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? स्टार्ट अर्ली, ओके, लेट नहीं करना है, ज़्यादा लेट से ट्यूशन स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी सिलेबस ख़त्म होगा और प्रैक्टिस करने का आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस पे नहीं आएंगे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वरुण, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विष्णुर जैन है, मैं MADEEJEE की स्टूडेंट हूँ, और मैंने MADEEJEE लास्ट ईयर यानी 2022 में ज्वाइन किया था जनवरी बैच में, और अभी मैं पेपर देकर आ रही हूँ गेट का। पेपर का लेवल मॉडरेट था, काफ़ी क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से थे, और
जितने भी हम लोग को सर ने पढ़ाया था कोचिंग में उससे काफ़ी चीज़ें आई थी और मेडी सी काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस थे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे और इंग्लिश के भी इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। कौन से सब्जेक्ट से आपको लग रहा था कि टफ क्वेश्चन बने? टफ क्वेश्चन मेरे को लग रहा था कंप्यूटर नेटवर्क से थोड़े से ट्रिकी लग रहे थे मुझे वो, और ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े कम आए थे इस बार और जितने थे लेकिन वो भी टफ थे। ओवरऑल पेपर कैसा रहा? ओवरऑल पेपर मेरा तो ठीक गया क्योंकि इस बार मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बाकी, लेकिन मेडी जी ने अच्छा पढ़ाया था। बट जिसने तैयारी करी है, अगर प्रैक्टिस करी है तो उसके लिए इजी है पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और मेनली डेटा मैनेजमेंट सिस्टम से और कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चंस थे और सर मैथ्स में एलजेब्रा और क्या बोलते हैं अपना इंटीग्रेशन, उसमें से क्वेश्चंस। आज के टेस्ट में मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। जो सारे क्वेश्चन थे वो सारे इंटरमीडिएट लेवल के थे, जैसे कि सर टी ओ सी के क्वेश्चन, डीएम वगैरह के, और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। एक इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन थे जिसमें से कुछ दो ही तीन क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि रिकंसिलिएशन और समथिंग एक दो क्वेश्चन और थे, और टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया। थे ये सब्जेक्ट में जैसे प्रोग्रामिंग के 8 से 10 क्वेश्चन थे और एप्टीट्यूड में 8 क्वेश्चन थे रीजनिंग और एप्टीट्यूड की और 4 या 5 थे इंग्लिश वाले। टेक्निकल सब्जेक्ट में? टेक्निकल सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट मतलब 55 क्वेश्चन आते हैं तो वो 55 थी, उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन होंगे अपने टी ओ सी के और 7 लगभग क्वेश्चन थे अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के और 5 क्वेश्चन थे डी बी एम एस से और एल्गोरिथम से भी रिकंसिलिएशन के 5 क्वेश्चन आए थे। मेरे को सबसे इजी लगा एक तो जो डी बी एम एस के क्वेश्चन थे ट्रांजेक्शन्स वाले, सुपर की वाले, कैंडिडेट की वाले, और जो कि टी ओ सी मेरे को सिंपल लगा, सी डी को मेरे बहुत हेल्प हुई ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग से। एग्जाम का लेवल इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट था, मोस्टली प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही थे बट कुछ नए क्वेश्चन भी थे जिसमें कॉन्सेप्चुअल थे तो ऐसे डायरेक्ट बेस नहीं थे, लाइक 2 नंबर वाले जो थोड़े कॉन्सेप्ट लगना था उनमें ज़्यादा, और 1 नंबर वाले थोड़े ईजी थे, तो उस हिसाब से पेपर मॉडरेट था अगर टोटल मिलाऊँ तो मैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल। मेरा नाम आशीष भट्ट है, मैं जी बी पी आई टी से हूँ और मैं अभी सी एस ई गेट 2023 दे के आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस बार का जो कट ऑफ होगी वो नीचे जाएगी क्योंकि पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल थोड़ा पेपर कठिन था और जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सिलेबस मतलब जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा थे और डी बी एम एस का पोर्शन एक्सपेक्टेडली कम आया था। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मेरा कॉलेज है बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरी ब्रांच सी एस सी है और क्या आज जो पेपर था वो मतलब फेल ही, ईजी तो नहीं कहूँगा मैं बट मॉडरेट था पेपर, और क्या कहते हैं जो पेपर क्वेश्चंस थे काफ़ी वेटेज ओएस से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, मैथ से इस बार मेरे ख्याल से काफ़ी कम क्वेश्चंस थे और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस फेली इजी थे अगर देखा जाए तो, और बाकी डेटा डीबीएमएस से क्वेश्चंस कम थे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था जिस हिसाब से प्रैक्टिस पेपर देखे थे। जो पेपर का जो लेवल था जो एप्टी मॉडरेट था, जो बस थोड़ा सा मेरे को जो टफ लगा वो ग्राफ थ्योरी लगा था, बाकी पूरा सिंपल था। और जो पूरा का जो पेपर था वो हमारे पूरे जो कोर्स जो कोचिंग में पढ़ा था मेडिजी सर ने रिस्पेक्टिव सर ने उसका सेम था। एंड माई कॉलेज इज कंप्यूटर तीर्थंका मावी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। पेपर का जो पैटर्न था वो अप्रॉक्स मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते हैं और मतलब एवरेजली था, और अगर हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से और पढ़ाई करते तो और अच्छा पेपर जा सकता था। और जूनियर्स के लिए ये सजेशन है मेरे लिए कि अगर आप कोई भी मतलब पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके सैम्पल पेपर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सैम्पल पेपर्स और उसके मतलब जो पेपर पैटर्न है उसके बिहाफ पर ज़रूर करें, क्योंकि जो पेपर था वो मॉडरेट था, इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं था, अगर हम टाइम मैनेज को करते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था।